तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। तो गाइस, जैसा कि आप सब टाइटल देखकर जान ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फादर्स यानी कि बापों के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर आपके या मेरे जेनेटिक बाप के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जेनेटिक के बाप के बारे में। मैं यहाँ पर किसी बायोलॉजिकल बाप के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के बाप के बारे में। और जिस तरह आज के समय में हमारी इंडिया की GDP गिरी हुई है और इसे गिरा हुआ देखकर हमारे मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अरे बाप रे बाप। लेकिन क्या आपको पता है कि ये GDP के पापा आखिर हैं कौन? आखिर कौन है वो इंसान जिन्होंने द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री मार्केटिंग, द असेंबली लाइन प्रोडक्शन मेथड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP को इजाद किया है और बन गए हैं द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो गाइज, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स और फाउंडर्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। फादर नंबर वन। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मुझे इवोल्यूशन की थ्योरी कितनी ज्यादा पसंद है और मेरे इस चैनल की सबसे पहली और शुरुआत की वीडियो भी इवोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड थी। तो गाइस, आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर इवोल्यूशन के फादर कौन है? आखिर कौन है वो इंसान जिन्होंने सबसे पहली बार इवोल्यूशन की थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी? तो मैं आपको बता दूं कि इवोल्यूशन के जो फादर हैं उनका नाम है चार्ल्स डार्विन, और इनके बारे में आपने कभी ना कभी तो किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट फादर की तरफ, फादर नंबर टू। तो यार, बायोलॉजी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, और खास करके आजकल के समय में जहां हर तरफ केमिकल और हार्मफुल गैसेस भरे पड़े हैं जो कि दिन भर रात भर हमारे अंदर घुसे हुए रहते हैं, और यहां तक कि हम जो खाना खाते हैं वो भी केमिकल से भरे पड़े हैं। लेकिन बायोलॉजी की मदद से हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं। लेकिन कौन है वो इंसान जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को इजाद किया और बन गए द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो गाइज, उनका नाम है एरिस्टोटल, जिन्होंने द साइंस ऑफ बायोलॉजी को इजाद किया था। और ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे थे, ये द फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी हैं और फादर ऑफ जियोलॉजी भी यही हैं। तो क्यों है ना, बहुत ही मस्त सा बात। फादर नंबर थ्री। तो गाइस, द फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में तो आप सब जान ही गए हैं, लेकिन द फादर ऑफ सर्जरी, जी हाँ, द फादर ऑफ सर्जरी, और इनके बारे में इंडिया के बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को इनके बारे में जानना चाहिए क्योंकि मेडिकल साइंस की दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि द सर्जरी हिंदुस्तान की ही देन है। और द फादर ऑफ सर्जरी जिन्होंने सर्जरी की इजाद की थी उनका नाम था सुश्रुता, और ये बस नॉर्मल सर्जरी तक ही नहीं, ये द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी है। तो गाइस, क्यों है ना ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात। तो गाइस, किन किन को इसके बारे में पहले से ही पता था वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें ये जानकारी देने के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है यार। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फादर की तरफ, फादर नंबर फोर। तो गाइस, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिनके बारे में आप सब जानते ही होंगे, और उन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। लेकिन आज के समय में ये जो अमेरिका, रसिया, चाइना, ये सब जो अपने मिसाइल्स और रॉकेट के दम पर जो उछलते हैं, ये हमारे इंडिया की ही देन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारा हिंदुस्तान ही है वो ऐसा देश है जहाँ दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बना था, और इस रॉकेट के जो डिजाइनर थे उनका नाम सुनकर आप सब शायद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, और वो कोई और नहीं, हमारे द टाइगर ऑफ मैसूर यानी कि टिपू सुल्तान थे। और इन्होंने अपना पहला रॉकेट द ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 1780 के जंग में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, और वो जंग ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही बुरी तरह से हारी थी। तो क्यों था ना, बहुत ही ज्यादा मस्त सा फैक्ट, फादर नंबर फाइव। तो गाइस, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जी हाँ, वही इकोनॉमिक्स जो अभी पूरे वर्ल्ड की वाट लगा रही है, और इंडिया को तो यार क्या ही कहना, खैर रहने दो। तो गाइस, दुनिया के जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था एडम स्मिथ, और वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, और द कॉन्सेप्ट ऑफ GDP भी इनके द्वारा ही बनाई गई थी। और जो दुनिया की जो सबसे पहली इकोनॉमिक्स की बुक है वो द वेल्थ ऑफ नेशन भी इन्हीं के द्वारा ही लिखी गई थी। फादर नंबर सिक्स।
तो गाइस हिस्ट्री तो हर कोई पढ़ता ही है, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं आती है। लेकिन आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक तरह की हिस्ट्री ही तो है। तो गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फादर ऑफ हिस्ट्री कौन होंगे? आखिर कौन होगा वो पहला इंसान जिसने पहली बार हिस्ट्री के बारे में सोचा होगा? तो अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस उनका नाम था हेरोडोटस और ये हेलिकेरियस इन द पर्शियन एम्पायर में पैदा हुए थे, जो कि आज के मॉडर्न डेज में बैडरम यानी कि तुर्की में है। फादर नंबर 7। तो गाइस पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद आती है। इनफैक्ट मुझे भी पेंटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि हु इज द फादर ऑफ पेंटिंग? और इसका जवाब मुझे तो लगता है कि मैक्स टू मैक्स लोगों को पता ही होगा। तो गाइस दुनिया के जो सबसे पहले पेंटर हैं उनका नाम है द ग्रेट लियोनार्डो डा विंची, और इनकी जो सबसे पहली पेंटिंग थी उसका नाम है एडोरेशन ऑफ द मैगी, जिसे आप सब अभी अपने आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो क्यों थी ना बहुत ही गजब की पेंटिंग। फादर नंबर 8। तो गाइस होम्योपैथी मेडिसिन आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खाया ही होगा, और अगर नहीं भी खाया है तो सुना तो जरूर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होम्योपैथी मेडिसिन का आविष्कार आखिर किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था सैमुअल हैनीमैन ने, जो कि एक जर्मनी के व्यक्ति थे और उन्होंने सबसे पहली बार मेडिसिन की नींव रखी थी, तो क्यों थी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही नॉलेजेबल वाला फैक्ट। फादर नंबर 9। तो गाइस साइंस की दुनिया में सबसे मैजिकल जो चीज मुझे लगती है वो है साइकोलॉजी, और आप सब भी शायद ऐसा ही सोचते होंगे। तो गाइस साइकोलॉजी की ये मैजिकल दुनिया आखिर किसने बनाई थी? तो कौन था वो इंसान जिसने सबसे पहली बार साइकोलॉजी का निर्माण किया था? तो गाइस उनका नाम था विलहेम मैक्सिमिलियन वुंथ, और इन्होंने दुनिया में सबसे पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट में खोली थी। तो गाइस अब हम चलते हैं आगे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट और सबसे आखिरी फादर की तरफ, फादर नंबर 10। तो गाइस इस वीडियो का अंत थोड़ा धमाकेदार करना पड़ेगा ना। तो गाइस सबसे खतरनाक धमाका एटम बॉम्ब के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धमाकेदार चीज की शुरुआत आखिर किसने की थी? कौन था वो इंसान जिन्होंने सबसे पहली बार एटम बॉम्ब के बारे में सोचा होगा? तो उनका नाम था ऑटो हन, जिन्होंने सबसे पहली बार रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ रेडियम, थोरियम और यूरेनियम को डिस्कवर किया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना देना चाहता हूँ कि ऑटो हन ने बस एटॉमिक बॉम्ब का एक कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब जो कि एक वेल प्लान्ड और कंट्रोल मैनर में टेस्ट हुआ था उसे कराया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, जो कि एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट थे। और दुनिया का जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का वो एलामार्गाडो में जो हुआ था, जो कि न्यू मेक्सिको में है। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का द फादर्स का वीडियो। तो गाइस अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ा रहे और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो गाइस अगर आपको इसी तरह की मजेदार फैक्ट्स, मिस्टीरियस थिंग्स और अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानना है तो फैक्टोनिकल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिले सबसे पहले। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूं फैक्टोनिकल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।